हुआ था उस दिन गणतंत्र दिवस पर, किन परिस्थितियों में चंदन गुप्ता की हत्या की गई, बताएं। चंदन गुप्ता का एक संकल्प संस्था है, संकल्प संस्था के 70-80 लोग जी सब यंगस्टर ही थे, मोटरसाइकिल में तिरंगा बांध करके और नारे लगाते हुए शहर में परिक्रमा कर रहे थे। एक मोहल्ला बडू नगर है, बडू नगर मोहल्ले में जब गए तो वहाँ पर ये बताया गया कि वहाँ पर पहले से एक जात विशेष के लोग इकट्ठे थे जो ध्वजारोहण के बाद अपना उनका स्पीच वगैरह का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पर इनमें आपस में वाद विवाद हुआ। एक्चुअल स्थिति वहाँ वाद विवाद की क्या थी इसको कोई प्रत्यक्षदर्शी न मिल पाने के कारण मौके का कोई बता नहीं पाया है कि विवाद किस बात पर हुआ। उसके बाद ईटा पत्थर चला, ये मोटरसाइकिल छोड़ करके वहाँ से भागे, ये लोग चले आए। हमारे यहाँ तहसील रोड और सूत मंडी दो ऐसे मोहल्ले हैं जो उससे हट करके हैं, 500 मीटर की दूरी पर हैं, वहाँ चले आए। उसके बाद फिर ये लोग तैयार हो करके वहाँ से और बदला लेने की भावना से निकले, ये कह करके कि वहाँ तो इन्होंने हमको आगे जाने से रोक दिया, यहाँ देखता हूँ कैसे रोक देंगे। और इधर से जो भी इनकी संख्या रही हो 20-25 की, ये संख्या में इधर से निकले और उधर जिस घर के लोगों ने इनको रोका था, ईटा पत्थर की शुरुआत किया था, इनका यह कहना है कि उस घर से फायर हुआ। फायर में एक चंदन अभिषेक उर्फ चंदन नाम के लड़के की डेथ हो गई तथा एक नौसाद नाम के व्यक्ति को, करीब 35 साल का लड़का था, उसके पैर में गोली लगी। जो गोली चलने की बात हो रही है, क्या गोली सिर्फ एक समुदाय के लोगों ने चलाई या फिर दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग की गई? क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़के के भी पैर में गोली लगी थी, क्रॉस फायरिंग हुई थी या गोली सिर्फ एक तरफ से चलाई गई थी? जिस व्यक्ति की डेथ हुई है अभिषेक उर्फ चंदन, गोली जो लगी है, गोली का एंगल देखने से ये प्रतीत होता है कि ऊपर से गोली चलाई गई, यानी छत से गोली चलाई गई है। तो जो मकान वहाँ पर है एक मुस्लिम का मकान है, इसके आधार पर प्रथम दृष्टया ये अनुमान लगाया गया कि इस मकान से गोली चली है तो वो गोली मुस्लिम द्वारा चलाई गई होगी। अभी ये कयास लगाया जा रहा है, आईओ इसकी जाँच कर रहा है। दूसरी ओर मौके के कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लोग भी जब वहाँ आए थे तो इनके हाथ में असलहे थे, हाकी थी, डंडे थे, तो हो सकता है फायरिंग इनकी तरफ से हुई हो और वो गोली नौसाद जो दूसरा इंजर्ड है उसको लगी हो।